बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी निकाय चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर सीधा निशाना साधा है। यूपी निकाय चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। मायावती ने कहा कि अगर यह चुनाव फ्री एंड फेयर होता है तो नतीजों की तस्वीर कुछ और ही आती। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में भाजपा ने जहां जबरदस्त जीत हासिल की है, वहीं विपक्ष को करारी शिकस्त मिली है। मेयर चुनाव में तो विपक्ष का सूपड़ा साफ ही हो गया है। इस जीत से बीजेपी गदगद है। वहीं विपक्षी नेताओं ने राज्य सरकार पर धांधली के आरोप लगाए हैं। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने नगर निकाय चुनावों के परिणामों पर असंतोष जाहिर करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि सत्ताधारी पार्टी धांधली से अधिकतर सीट जीत जाती है और इस बार भी चुनाव में ऐसा ही कुछ हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से बसपा चुप होकर नहीं बैठेगी, बल्कि वक्त आने पर भाजपा को इसका जवाब जरूर मिलेगा। और साफ कहा कि सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग कर यह चुनाव जीता गया है और उनकी पार्टी इस पर चुप नहीं बैठेगी। मायावती ने ट्वीट कर कहा, यूपी निकाय चुनाव में भाजपा के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों इनके द्वारा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से ये सब हुआ है, बल्कि वक्त आने पर इसका जवाब भी मिलेगा। साथ ही तमाम विपरीत हालात का सामना करते हुए बीएसपी पर भरोसा करके पार्टी उम्मीदवारों को वोट करने के लिए लोगों का तहे दिल से आभार व शुक्रिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने नगरीय निकाय चुनाव में सत्ताधारी दल भाजपा पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है।